जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया। अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। तेजस्वी यादव के यहाँ चिराग पासवान का जाना, मुलाकात करना, निमंत्रण देना, ये तो एक जनरल प्रक्रिया थी, लेकिन इसके तह में जो घंटों बातचीत हुई वो बातें क्या हुई, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसका खुलासा दोनों ने मीडिया के सामने आकर के किया। दोनों की बॉडी लैंग्वेज और जो मुस्कुराहट थी वो बहुत कुछ कह रही थी। इस मुस्कुराहट में एक बात तो साफ नजर आया कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में पहले से भी बातचीत हो रही थी, और आज जब दोनों आमने सामने मिले तो बहुत सारी ऐसी बातें हो गई जिसको लेकर के बिहार के लोग चर्चा कर रहे थे। बिहार की जनता हो या राजनीतिक घराना हो, इसके साथ साथ मीडिया भी जिस बात को लेकर के लगातार चर्चा कर रही थी, कयास लगा रही थी, वो उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो चर्चा हुई दोनों बड़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। खास करके अगर बात करें तो चिराग पासवान बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे और उनमें एक गंभीरता नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बातें बहुत ही ज़्यादा सार्थक हुई हैं। पत्रकारों ने कुरेद कुरेद करके कई बातें पूछनी चाहिए, लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात तो पक्का नजर आया कि लग रहा था कि जैसे लालू प्रसाद का जो सपना है उस सपना को पूरा करने में दोनों अब आगे बढ़ने की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं। तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें कही और बताया कि रामविलास पासवान से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद और रामविलास पासवान के संबंधों को लेकर के उन्होंने बात कही, वहीं उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे नेता थे जिनके अंदर राजनीति कूट कूट कर भरी हुई थी और किसी के साथ उनके संबंध खराब नहीं थे। ये बातें चिराग पासवान ने भी कही और साफ तौर पर यह बात झलक रही थी कि जब 2010 की चर्चा चिराग पासवान के सामने ही तेजस्वी यादव ने की तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें मानस पटल पे आपके भी आ गई होगी, क्योंकि 2010 में लालू प्रसाद और रामविलास पासवान ने एकजुट होकर के नीतीश कुमार को बड़ी मात देने का कोशिश किया था और 2005 का बदला लेने के लिए दोनों तैयार थे। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चिराग पासवान को और तेजस्वी यादव को सामने से झटका दिया है, ऐसा देखने से लग रहा था कि दोनों उस पर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि 2010 की चर्चा होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं वो पुरानी बातों को याद करके एक नए समीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो बिहार की राजनीति में आने वाले समय में मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रामविलास पासवान की बरसी के बहाने ये दोनों युवा एक साथ होंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जब हमारी बातें हो रही थी, सुमन सौरभ जब बाहर में पूछ रहे थे कि आप क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं बिहार की राजनीति में, दोनों के मिलन से आपको क्या अपेक्षाएं हैं, तो लोगों ने खुलकर कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास चिराग पासवान को करना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो केंद्र की राजनीति करनी है और केंद्र की राजनीति में जिस तरह से झटका उनको दिया गया है दो दलों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के द्वारा, उसका बदला भी लेना है। अब देखना होगा कि क्या कुछ सामने होता है, लेकिन जो बातें दोनों ने कही वो बातें आपको जरूर सुननी चाहिए। सुनिए दोनों ने क्या कहा और कितने पॉजिटिव नजर आए। भाई हम तो जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया। अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। जाहिर से बात इच्छाएं जाहिर कर दिए तो उसके बाद मेरा कहने का चिराग जी आप बताएं राजनीति में चिराग जी दोनों के पिता एक साथ आए थे। अब गेंद आपके पाले में है चिराग जी, क्या आप अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।